भगवद गीता के ये 30 उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाएंगे। ये दिव्य उपदेश, ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए इन 30 उपदेशों को आप आखिर तक जरूर सुने। गीता का सबसे पहला उपदेश यह है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहाँ आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी ज़िंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने ज़िंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौट कर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा, तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल है, इस महल का सौदा कल तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि ये महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्यों से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वो दुख भी देता है, खुशी भी देता है, लेकिन जब वो मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम परम शुभाशुभम, कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुप कर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं कि उस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। तो गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है, कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका के रखेंगे, तो याद रखना, आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आज में और इसी पल में जीना सीखें। गीता का चौथा उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं, मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा, क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुँचाता है, दुख पहुँचाता है, और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले को बल मिलने लगता है, वो आपको कमज़ोर समझने लगता है, और आपके साथ गलत करने को वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर इस ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए। गीता का पाँचवा उपदेश ये है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको ज़रूर रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है। और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता तक भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं उसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता। आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन कर लेते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तविकता में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुख देता है। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्मम निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, तू वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। गीता का सातवां उपदेश यह है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमजोरी क्या है, क्या ऐसा करें जिससे इसको दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुँचा सकते हैं। ये कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध दो अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। गीता का आठवां उपदेश यह है, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, कि हे अर्जुन, तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरा स्मरण करता रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है, इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूंगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूँ, मैं जिंदगी में सही मार्ग पर चल सकूँ। गीता का नवा उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का ये युद्ध एक जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुआ की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, ऐसा जीतने का नशा कि अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नशे की हो, मोबाइल की हो, किसी इंसान की हो, कोई गलत काम करने की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, यहाँ क्या चाहिए, ये हर कोई सोच लेता है। लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वो बहुत मुश्किल है। गीता का 11वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो हमको नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाते। समझते सब कुछ है, लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वो कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुँच जाएगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा या हासिल नहीं हुआ, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकते। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में भी कुड़ता रहता है, वो अपने मन में भी दर्द में ही जीता है, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। गीता का 16वां उपदेश है, जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराए हैं। अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते, और दिल मिलाने की बात करते हैं। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देख के भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराए हैं। गीता का 17वां उपदेश है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। गीता का 18वां उपदेश है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योग है कर्मसु कौशलम। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। गीता का 19वां उपदेश है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत करना। किसी से नफरत भी हद से ज़्यादा मत करना। हद से ज़्यादा मीठा भी खराब, हद से ज़्यादा कड़वा भी खराब। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान पहुँचाएगा, और हद से ज़्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुँचाएगा। तो जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। गीता का 20वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज़्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नज़र में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। गीता का 22वां उपदेश है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पे चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, पर जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे वो अपना सगा समझ रहे थे, जिस पे वो भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। गीता का 23वां उपदेश है जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। गीता का आखिरी श्लोक है यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवानी त्रिम त्रिमम। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महापराक्रमी भीष्म पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वो मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। गीता का 24वां उपदेश है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। गीता का 25वां उपदेश है चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक खांडव प्रस्थ का राज्य दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उनके उस वैभव को देख के, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज़ उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसी और तामसी, इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है। गीता का 29वां उपदेश है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का तीसरा उद्देश्य है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गंवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ ज़िंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर ज़रूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज़ सुनेगा, समझेगा, तो ज़िंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता ज़रूर मिल जाएगा।